ये देखो, आर्टिफिशियल पेड़ बनाया गया है सीमेंटेड, और इस पर बंदर है, केले खा रहे हैं, शेर बैठा हुआ है, मोर है, चिड़िया है, गार्डनिंग की हुई है यहाँ पे। सो फाइनली अब आ गए हैं इस रास्ते में जो भूतनाथ जो टेम्पल है सामने, ऊपर आप लोग को शायद दिख रहा होगा, मे भी इस पहाड़ी के ऊपर है। तो ये कुछ रास्ते हैं यहाँ के, ऐसे ही मैं जा रहा हूँ अभी, जस्ट खाना वाना खा के निकला हूँ। और आइए इस वीडियो में आप लोग को दर्शन कराते हैं भूतनाथ टेम्पल का। भाई साहब देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, ऐसे चढ़ना पड़ता है ऊपर। रामलीला मिल जाएगा ना आगे से? हाँ, कितना दूर पड़ता है? अभी यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, आगे जाओगे फिर इधर जाना पड़ेगा, आगे से इधर। चलिए, यहाँ सामने से हमारा गेट है प्राचीन श्री भूतनाथ मंदिर, और मणिकूट भी धाम इसे बोलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ प्रवेश कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अंदर चलेंगे और भूतनाथ टेम्पल भी दर्शन करेंगे। भाई साहब थकान हो जा रही है बहुत ज़्यादा। यही वो सामने गेट है। सो गाइज, मैंने अपना बैग यहाँ भैया की दुकान पे यहाँ पर रख दिया, अपना पानी की बोतल ले लेते हैं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से अब एंट्री करते हैं भूतनाथ मंदिर के तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए भूतेश्वर महादेव, ये भूतेश्वर महादेव जी का यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है। क्या सर? एक्चुअली कैमरा लाइव नहीं रिकॉर्ड कर रहा, यूट्यूब चैनल है मेरा, ब्लॉगिंग करते हैं तो कैमरा ही है टाइप का। थैंक यू। तो भाई साहब कैमरे के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस ट्रिप पे, तो बहुत ही ज़्यादा लोग पूछ लिए। तो भाई साहब ये क्या चीज़ है? चलो, मैंने बैग रख दिया इस ट्रैक पे, थोड़ा सा कम बोझ होगा मेरे लिए, क्योंकि 10-12 किलो से 15 किलो से कम का बैग मेरा है नहीं, उससे भी ज़्यादा ऊपर होगा, क्योंकि टेंट ही मेरा 5-6 किलो का हो गया है, बैग, उसमें कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं उसमें। और कुछ ऐसे रास्ते हैं यहाँ से, मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ ट्रैक करते हुए। भाई साहब रास्ते यहाँ के टूट चुके हैं, देख रहे हो? नहीं बता रहे मोई।